मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए, जिसको लेकर अब विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मुस्लिम लड़कियों के कॉलेज जाने के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। ये भी बता दें कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम बच्चियों को ज्यादा ना पढ़ाया जाए, ये अपील मुस्लिम समाज से करते हुए वो नजर आए। साथ साथ में मुस्लिम बच्चियों को कॉलेज नहीं भेजने की वकालत उनके द्वारा की गई, मुस्लिम बेटियों पर किरदार का सौदा करने का गंभीर आरोप भी उनके द्वारा लगाया गया। अब ये पूरा बयान विवादों में घिर गया है। कुरान से अपने ताल्लुक को बढ़ाओ। क्या तुमको एहसास नहीं होता कि तुम्हारी उम्र की लड़कियां मस्जिद अक्सा की हिफाजत में जाने दे रही हैं, शहीद हो रही है, सीने पर गोलियां खा रही हैं। उनकी तमन्नाएं, उनका कैरेक्टर, उनका किरदार, उनके जज्बात क्या है? उनको इस काम पर लगाया गया है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करें, तुम्हारे खानदानों को बदनाम करें। मैं जानता हूं कि तुम पर जादू भी कराया जा रहा है, लेकिन मैं ये बात भी साफ कह देना चाहता हूं, उन्होंने दूर बैठकर तुम पर जादू नहीं किया है, पहले तुमसे दोस्ती की है।